morning to all of you. Now we will start our writing module, and our writing task one is: the charts show the percentage of income spent on food and other goods in three European countries from 1998 to 2008. हाँ जी रजे, अपने को ईयर मेंशन किए हुए 1998 एंड 2008. टू आइटम्स मैंशन की हुई ने फूड एंड अदर गुड्स. ठीक है रजे, थ्री कंट्रीज़ मैंशन की हुई हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड. रजे डेटा साढ़े को मैंशन किया हो कि तीन कंट्रीज़ ने ते ओहो फूड ते एंड अदर गुड्स ते किन्नी मनी स्पेंड करते 1998 एंड 2008 दे विच. क्लीयर रजे, असी एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि फूड ते फ्रांस ने किन्नी मनी स्पेंड की इन 1998. ब्लू वाला डेटा है रजे जिहड़ा 1998 दा आ, ते रेड वाला है जिहड़ा 2008 दा आ. हुण असी सेंटेंस बना के देखते हैं रजे. इन 1998 फ्रांस स्पेंट ओनली 15% मनी ऑन फूड. क्लीयर रजे, वेयर एज जदों के फ्रांस स्पेंट 40% मनी ऑन फूड इन 2008, के 1998 दे विच फ्रांस ने 15% मनी है जिहड़ी स्पेंड कीती सी फूड दे, जदों के वह वध के 40% हो चुकी आ 2008 दे विच. क्लीयर रजे, तुसी दोवें बारग्राफ नू भी कंपैरिजन कर सकते हो, जां फिर जिवें फ्रांस दा जर्मनी नाल कंपेयर कर सकते हो, जर्मनी दा इंग्लैंड नाल, वह तुहाडी अपनी विश है रजे. क्लीयर, हुण असी मैंशन करते हैं जर्मनी दा अदर गुड्स ते किन्ना स्पेंड है. अप्रोक्सीमेटली 18% मनी वॉज स्पेंट ऑन अदर गुड्स बाय जर्मनी इन 1998, वाइल इट इनक्रीज्ड विद अप्रोक्सीमेटली 10% ऑन अदर गुड्स इन 2008, जदों के 10% दे नाल इनक्रीज होगी 2008 दे विच. क्लीयर रजे, हुण तुसी इहनू लिख सकते हो. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिनी हाँ रजे कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड दो ईयर मैंशन किए हुए हैं. इन्हों दो ईयर दे विच ये तीनों कंट्रीज़ फूड ते एंड अदर गुड्स ते किन्ने मनी स्पेंड करते हैं. ठीक है रजे, हुण तुसी मनी नू कैश लिख सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो, तो स्पेंड करना एलोकेट, पास्ट दे विच एलोकेटड आएगा, एक्सपेंड, एक्सपेंडेड, डिसबर्स्ड, डिसबर्स्ड, यूज, यूज्ड, यूटिलाइज, यूटिलाइज्ड. फ्रांस नू सिटीजन्स लिख सकते हो, तुसी बायर्स लिख सकते हो, फूड ते अदर गुड्स नू आइटम्स लिख सकते हो. क्लीयर है जी. हुण असी मूव हुंदे आ टास्क टू ते, एंड टास्क टू इज इट इज़ बैटर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू लिव फार अवे फ्रॉम होम दैन लिव एट होम विद देयर पेरेंट्स. डू यू अग्री और डिसअग्री? हाँ जी, कहते यह ज़्यादा बैटर है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपने पेरेंट्स तो दूर रहना, रेदर दैन के पेरेंट्स के नाल रहन दे, कि जिहड़े कॉलेज के बच्चे है उन्हां लई यह ज़्यादा बेनीफिशियल है कि वह अपने पेरेंट्स तो दूर रहन. तुसी इस चीज़ नाल अग्री करते हो और डिसअग्री करते हो? रजे एक साइड ही जाना है, स्ट्रोंगली अग्री और डिसअग्री. क्लीयर है जे? जे तो असी अग्री दे पॉइंट लिखते हैं फिर की लिख सकते हैं ये नाल की हुंदा रजे. एक तो जिहड़े बच्चे आ इंडिपेंडेंट बनते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपने आप करनी है, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स तो हैल्प नहीं लै सकते. ठीक है, इंडिपेंडेंट बनते हैं, हर डिसीजन आप लैने ने. जिवें असी लिख सकते हैं इन दीज टाइप ऑफ सरकमस्टांसिस स्टूडेंट्स लर्न टू लिव इंडिपेंडेंट. ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंट बन जाते हैं? होर की, दे लर्न टू टेक डिसीजनस एंड बिकम रिस्पोंसिबल फॉर देयर ओन एक्शनस, कि जो भी वो कोई डिसीजन लेंदे डिसीजन मेकर बनते हैं इंस्टेंट, कोई भी उन्होंने फैसला लेना पैंदा तो वो खुद लेंदे ने. ठीक है जी, एट ए टाइम वो अपने डिसीजन मेकर बन जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए वो रिस्पोंसिबल होंगे ने जी उन्होंने खुद की होंगी है जी. ठीक है, ये होंगे दे विल गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है उन्होंने, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने खुद डील करना होंगे. आ होर आप की लिख सकते हैं कि रजे बहुत सारे ट्रेड्स ने, स्किल्स ने जोड़े वह सीखते हैं वाइल लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स. असी लिख सकते हैं दे कैन लर्न मैनी ट्रेड्स वाइल लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लाइक लीडरशिप, टीम वर्क, कोऑपरेशन, एंड दे ऑल्सो इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स.
ਬੋਲ ਚਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਜੇ ਉਹ ਕੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇ ਲਰਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੇਅਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਏ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਕਲੀਅਰ ਅਜੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਵਰਕ ਔਨ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਥ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਪੇ ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਔਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜ ਦੇਅਰ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਬਲਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜੇ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਪੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਅਜੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ, ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਰਜੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਡਿਊਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।